नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पनामा पेपर्स मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ जांच के आदेश। पत्रिका की खबर पर विष्णु बने महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। रेलवे का बड़ा फैसला, AC 2 होगा बंद, AC 3 की बोगियां बढ़ेंगी, फ्लेक्सी किराया प्रणाली वापस होने के संकेत। लालू के मंत्री पुत्रों का चुनाव रद्द करने को लेकर पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर। दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बरखा शुक्ला का इस्तीफा, भाजपा में हो सकती है शामिल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अफसरों को नसीहत, नेताओं की जी हजूरी से बचें। CBSE की स्कूलों को चेतावनी, किताबें, यूनिफॉर्म एवं स्टेशनरी की बिक्री बंद करें। अरुणाचल में स्थानों के नाम बदलने के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, युद्ध के लिए तैयार रहे सेना। काले धन को वैध बनाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। भाजपा ने कहा, 3 तलाक न कुरान सम्मत है न ही कानून सम्मत। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस का आरोप, बस्तर में हुए माओवादी हमले में शामिल थी रमन सिंह सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने NDMC को होटल ताज मानसिंह की ई नीलामी की अनुमति दी। उत्तर दिल्ली के कश्मीर गेट इलाके में छात्र ने 4 लोगों को कार से कुचला, 1 की मौत। जम्मू कश्मीर में भीषण आग, SSP शिविर कार्यालय जलकर खाक हुआ। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 छात्रों और 1 सुरक्षा गार्ड की मौत। सिद्धार्थनगर में भाजपा नेता के प्रतिष्ठानों पर आयकर का छापा, 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति पकड़ी गई। ये थी आज की प्रमुख खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.vidunia.com। नमस्कार।